गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हैं अभी अल्मोड़ा में, जो कि रात को स्टे हम लोगों ने यहीं पे कर लिया था। और भाई अभी सुबह का जो मौसम है ना, वो खतरनाक ही हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, सामने पूरा बादल लगा हुआ है और रात को यहाँ पे ना पूरी लाइट चमक रही थी सामने। अभी हम लोग रात को चढ़ाई करके वहाँ पे गए थे ऊपर खाना खाने के लिए मेन मार्केट में, तो वो भी कम से कम 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों ने यहाँ से की थी। बादल जो है ना, इसकी वजह से बूंदें गिर रही हैं और होपफुली एक बारिश भी हो सकती है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग 8:30 से पहले यहाँ से निकल जाएँ। अभी बज रहे हैं 7:30। बाइक हम लोगों ने वहाँ खड़ी कर रखी है ऊपर। ऊपर के साइड में है बस स्टेशन अल्मोड़ा का, जहाँ पे रोडवेज बसें वगैरह सब खड़ी होती हैं और यहीं से निकल के जाती हैं अपना देहरादून और दिल्ली और यहाँ से काठगोदाम हल्द्वानी के लिए। उसके बाद में अगर आप मेन मार्केट जाओगे तो वही 1800-2000-2500 से कम कोई है ही नहीं मार्केट। जितना हो सके कोशिश करना कि होम स्टे प्रेफर करें अगर चीप में ऑप्शन चाह रहे हैं तो। जितने भी सामने आपको दिख रहे हैं ये होम स्टे ही हैं बने हुए, तो ये जो है बेटर ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। सो लाइट, हम लोग रेडी हो गए अब जाने के लिए जागेश्वर। और बाइकें हमारी रात यहाँ पे पार्क हो गई थी, बहुत अच्छा जो है पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। गाड़ी पे बैग वगैरह जो है बांध रहे हैं हम लोग और निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह के बज रहे हैं अभी इस समय 9:15 और निकल जाएंगे, होपफुली 10:30 तक पहुँच जाएंगे जागेश्वर धाम। और जहाँ पे हम लोग रुके थे स्टे में, उनके ओनर से मैं मिलवाता हूँ आपको, ललित भैया यहाँ के ओनर हैं। ललित भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और ये अपना स्टे कब से स्टार्ट किया आपने? वैसे अभी मेरे को देख रहे जैसा कि लग रहा है फरवरी में स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं मतलब फील किया कि काफी नया आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, काफी अभी जैसे रिसेंटली ही ओपन हुआ ना, तो ये फरवरी में आपने बनाया था? जी, फरवरी में बनाया था। तो ये अपना कहाँ पे पड़ता है, एड्रेस एक बार प्रॉपर बता दीजिए। नियर रोडवेज वर्कशॉप है अल्मोड़ा पे। ओके, ISBT कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी कि अल्मोड़ा का जो ISBT वाला रोडवेज स्टैंड है वहाँ पर बिल्कुल जस्ट उसके पास वाली गली में है ये, जिसके ऊपर निकलेंगे आप तो सीधे ये रोड एंड हो रही है वहाँ पे रोडवेज बस स्टेशन है, NH109। और अपने जो होम स्टे का नाम है गुडविल होम स्टे और काफी बढ़िया स्टे था। नीचे की तरफ रूम बने हुए हैं और अभी तो 4 रूम है ना जी, 4 रूम तो है। आगे आर्मी पर्सनल हाँ, के लिए भी इसमें 15 अगस्त है। हाँ, स्कीम भैया की होम स्टे में एक स्कीम भी है, वो भी सुन लो, काफी मतलब काफी अच्छा इनिशिएटिव। यहाँ पे बंदरों का खौफ, और जिसकी वजह से प्रसाद जो है इन्होंने डाला शर्ट के अंदर। बंदर भाई साहब एकदम तो पीछे से आओ छीने लगे प्रसाद हमारा, बहुत बंदर है यहाँ पे। और देख रहे हो आप घंटियाँ वगैरह देख रहे हो कितनी लगी हुई हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग यहाँ पे घंटी चढ़ा देते हैं। ये देखो रजिस्ट्री, लोगों की मनोकामनाएं। अरे बंदर चमक गया उसके ऊपर। गुरुदेव महाराज की जय। भाई पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम और कर दी हैं गाड़ियां पार्क और बज रहे हैं 11:15। पीछे है मंदिर, चल रहा है भंडारा, खाएंगे फिर दर्शन करने के बाद। अल्मोड़ा से चले हुए हो गए हैं लगभग 2.25 घंटे। बीच में हम लोग चिताई गुरुदेवता के मंदिर में भी रुके थे दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग गया, वरना तो 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ आ जाते। फेस्टिवल यहाँ फंक्शन है कुछ यहाँ पे और दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं। हाँ सेम ही है। पांच अंकल पे यहाँ कितने मंदिर है? यहाँ पे 125 मंदिर। 125 है, तो पांच मुख्य, पांच मुख्य मंदिर है। तो यहाँ पे कुल मिला के टोटल 125 छोटे बड़े मंदिर हैं और जिनमें से 5 जो मंदिर हैं वो मुख्य मंदिर हैं, जिनमें से एक ये मुख्य मंदिर है मेन वाला बड़ा वाला, आपको दिख रहा होगा ये, और उसके आगे एक प्राचीन मुख्य मंदिर है। यानी कि कुल मिला के 5 मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे, और बाकी के जो मंदिर हैं 125 छोटे बड़े वो सब मिक्स हैं इसके अंदर ही, छोटे बड़े मंदिर, जिसने कि यह है एक छोटा मंदिर सामने मंदिर, और ये प्राचीन काल के बने हुए हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं खूबसूरत जगह है काफ़ी। यह केदारनाथ मंदिर, मेन मंदिर वही होता है, यह केदारनाथ मंदिर जिसके सामने नंदी होती है वही मेन मंदिर होता है। तो ये है श्री जागेश्वर धाम मंदिर,
और जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है शिव जी महाराज के मंदिरों में से। और यहाँ पर आसपास कॉटेज हैं, होटल्स हैं रहने के लिए अवेलेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है अवेलेबल। और ये है माँ चंडी देवी का मंदिर, नीचे चंडिका देवी का। ये है कुबेर जी महाराज का मंदिर, सामने है ब्रह्मकुंड जहाँ पे आप लोग नहा सकते हैं, वो है सामने ब्रह्मकुंड लिखा हुआ भी है। तो भाई भंडारा स्थल में बैठे हुए हैं अभी हम लोग, और भंडारा जो है ग्रहण कर लिया हम लोगों ने प्रसाद भोलेनाथ का। और रोहित सर यहाँ पे हमें मिलते हुए अल्मोड़ा में, रोहित सर भी मिल गए हमें यहाँ पे। कल इन्होंने बहुत अच्छी रैली निकलवाई थी जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और आज यहाँ मजा आ गया। और आज यहाँ जागेश्वर धाम में मिल गए, देखो किस्मत की बात है कौन कहाँ मिल जाए कोई पता नहीं है और तीन चार बार मिले, एक बार भी नहीं, कभी जानने वाले लोग एक बार नहीं मिलते ना जाते हैं, हम भी गए थे और तो बढ़िया ना मजा आ गया। तो भाई भंडारा भंडारा ग्रहण कर लिया हम लोगों ने, अपने भाई जी आ गए। भाई का नाम क्या है? राहुल। राहुल भाई जी हैं अपने, कल भी बहुत जोर जोर शोरों से नारे लगा रहे थे अपने, ये वंदे मातरम गला बैठ गया था इनका। और ये नीटू भाई हैं, इन्होंने बैग में बोतलें भर ली हैं तीन चार, ये देखो मतलब ये गलत बात है यार, ये पूरा बैग तुमने भर लिया है बोतलों से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ मतलब तीन चार महीने की व्यवस्था करके चल रहे हैं पूरे, खाना पैक करा लिया। हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय खैरना, और इस समय शाम के बज रहे हैं चार, और बहुत अच्छी लोकेशन है खैरना, एक बार यहाँ पे जरूर आना अगर साइड पे आ रहे हैं आप तो। और ये पुल के नीचे हम लोग हैं इस समय, ये ऊपर हमारे पुल, और बाइक वगैरह जो हमने ऊपर पार्क कर दी है वहाँ पे उस लोकेशन पे। और मौसम ज़बरदस्त हो रहा है इस समय, बारिश के आसार लग रहे हैं, आसमान में बादल हो रहे हैं देखो, ज़बरदस्त सीन है, एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये। और मैगी पॉइंट भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर मैगी बनाने का सोच रहे थे लेकिन फिर बाद में टाइम की कमी के हिसाब से हम चल रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो फिर हम लोग मैगी जो है अब नहीं बना रहे हैं और मैगी जो है खाएंगे सिर्फ बनी बनाई। चलते हैं फिर मज़ा लेते हैं थोड़ी देर, चलते हैं निकलते हैं। उतार दे उतार दे, अरे बहुत देर हो गई तो उतार दे, क्या ऐसे मान जा रहे हैं तो लेके।